माई फर्स्ट ब्रांड कोलाबोरेशन विद नमनस। उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, बहुत ही प्यारा सा एक चीज़ है जो कि आप वैलेंटाइन डेज में आपकी लव्स को गिफ्ट कर सकते हो। उसकी वेबसाइट से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और डायरेक्ट उसके इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। तो बहुत प्यारा सा एक देख सकते हो डॉल है जिसके ऊपर आप कस्टमाइज कर सकते हो आपकी मनपसंद कोई भी कैरेक्टर। मैं यहाँ पे राधा कृष्णा की जोड़ी बना रही हूँ जो कि लव के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है। सबसे ज़्यादा अच्छा लव रिलेशन राधा कृष्णा के ही माना जाता है। तो आप आपकी लव्स को ये गिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई ब्राइड एंड ग्रूम्स का भी कोई कस्टमाइज ड्राइंग बना सकते हो जो कि बहुत प्यारा बन के तैयार होता है। और आपका लव्स जो है, आपका जो आप जिससे प्यार करते हो वो भी ये जो गिफ्ट है इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं क्योंकि बहुत क्यूट ये लगने लगते हैं अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो। तो बेसिकली उन्होंने मुझे ये कोलैब के लिए भेजा है तो मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ और उनके साथ इंस्टाग्राम में कोलैब हो भी चुकी है पर यूट्यूब में ये छोड़ना थोड़ी सी लेट हो गया कि इसको मुझे एडिट करना पड़ा वीडियो को, तो इसीलिए थोड़ी सी लेट हुआ। इसके ऊपर मैं एक्रेलिक कलर कर रही हूँ क्योंकि वाटर कलर इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा और ऑयल पेंटिंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एक्रेलिक कलर इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। पहले आप देख सकते हो मैंने पेंसिल से थोड़ी सी एक आउटलाइन क्रिएट कर लिया है ताकि जब ड्राइंग करूँ, रॉ ड्राइंग आप करने जाओ तो अच्छा नहीं होता। इसीलिए सबसे मज़ेदार बात है इसका पीछे आप हेड भी कर सकते हो, हेड का पगड़ी वाला कलर भी मैंने यहाँ पे किया है। ड्रेस भी देखो पीछे कर रही हूँ तो ये बहुत प्यारा लगता है बेसिकली। तो ये आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो और आप अगर ये इसको ड्राइंग करना चाहते हो इस टाइप से तो आप नन मंथ्स वेबसाइट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और ऐसे कस्टमाइज ड्राइंग करके आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि पहली बार मैं ऐसे इसके ऊपर ड्राइंग कर रही हूँ, पर ये ऊट से बनाया गया है पर ऊट का जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ऊट के ऊपर ऐसे कलर करने से थोड़ी सी दिक्कत होती है पर इसके ऊपर बहुत स्मूथली कलर आपका आ रहा था और इतना अच्छा फिनिशिंग लुक दे रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके ऊपर ड्राइंग बहुत अच्छा लुक दे रहा था। तो काफ़ी सारे ड्राइंग मैंने देखा है इसके ऊपर, ब्राइडल बहुत प्यारा बनाई है इसके ऊपर। आप एक आइडिया भी मैं आपको देती हूँ, ये सिर्फ दो नहीं, आप जैसे चाहते हो दो तीन चार उतने सारे ऐसे डॉल आपको मिल जाते हैं। तो मुझे दो चाहिए था तो मुझे दो ही भेजा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जगन्नाथ जो देव है हमारे, तो जगन्नाथ सुभद्रा बलराम देव को भी आप तीन को लेके बना सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और इसकी वजह से आपने मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा ड्राइंग नहीं किया है तो आप वो कर सकते हो, वो भी नॉट ओनली वैलेंटाइंस डे, कभी भी आप इसको किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हो, किसी का ब्राइडल हो, मतलब एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कभी भी आप इसको इस तरीके से बहुत ही प्यारा लुक बना के उसको सेंड कर सकते हो। और ये इतना क्यूट है कि किसी को खुश करने के लिए ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो बहुत अच्छे से आप किसी को खुश कर सकते हो, तो कभी भी आप इसको परचेस कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। आपको ये ड्राइंग कैसा लगा, मैं पहली बार ऐसी ट्राई कर रही हूँ तो प्लीज़ एक कमेंट आप कर दीजिएगा कि कैसा लगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ज़्यादा तो हमारी व्यूज़ नहीं आते, जितना आते वो जेन्युइन लोग ही देखते हैं, तो मुझे उतना ही उतने लोगों को देखने से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है तो और मैं करती भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बस उन्हीं की वजह से मैं करती हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ शेयर करती हूँ मैं ताकि लोगों को पसंद आए। तो इस टाइप से मैं बना रही हूँ। प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की इसको ब्यूटीफुल करने के लिए और इसके ऊपर जो ज्वेलरी मैंने बनाई है, मैं जिस टाइप से रियलिस्टिक ज्वेलरी बनाती हूँ तो इसके ऊपर इम्पॉसिबल था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, जो एक कलर मिलता है आपका एक्रेलिक का, उसको बोलता है मेटालिक जो कलर बोलते हैं ना, तो आप ग्रे कलर भी मिलता है, गोल्ड कलर भी मिलता है, तो उस टाइप का गोल्ड कलर मैंने परचेस किया था
तो उसी गोल्ड कलर से मैंने ज्वेलरी को किया। तो फ़ोन में आपको वीडियो कैसे लग रहा है आई डोंट नो, बट इसके ऊपर जब मैं ज्वेलरी कर रहा था ज्वेलरी बहुत शाइन दे रहा था, क्योंकि वो मेटालिक कलर है, शाइन करने वाली ही कलर है। तो आप उससे भी उसको ज्वेलरी बना सकते हो, इसमें ईजी भी होता है, देखने भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा लाइट शेड मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर पहली बार मेरी कोशिश है, तो जितना हो सके मैं सिंपली इसको बनाने की कोशिश किया है। पर लास्ट में इसको बहुत अच्छा भी लग रहा था, मैं काफ़ी टाइम से इसको शूट किया। और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप आपकी बैग की चेन के साथ इसको हैंग कर सकते हो, ये भी बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है। और करते भी है इस टाइप से भी, ऐसे डॉल को यूज़ किया जाता है। और ये देखो मैं जो मेटालिक कलर की बात कर रही थी, बेसिकली इसके ऊपर ऐसे बैठा दो तो बहुत अच्छी शाइन दे रहा था, ग्लॉसी लग रहा था। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, और या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँगी कि ये कलर आपको कैसे परचेस करना है, आपको लिंक भी हम भेज देंगे। देखो बहुत इजीली ये बहुत ड्रॉ हो गया। और इस पुतला में ये जो डॉल है इसमें अभी तो ये राधा कृष्ण बन गया है, तो इसमें देखो हाथ भी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसे लगता है कि एकदम रियल आपको लग रहा है कि रियल डॉल है, रियल राधा कृष्ण है। तो कोई भी आप इस टाइप से बना सकते हो। इसका खास बात यही है कि आप पीछे भी इसका हेड भी कर सकते हो, साइड में इसका हाथों भी बना सकते हो, जो कि देखने में बहुत प्यारा लुक देता है। तो मेरा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, और मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है एंड में मैंने दिखाया है, कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। बेसिकली तो डेकोरेशन मुझे अच्छे से नहीं आता है, बस ड्राइंग ही मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ, पर मैंने कोशिश किया ताकि वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगे। तो आप बिल्कुल बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि कैसा लगा आपको, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। ये है चुरनी जो हेड पे आपका रहता है, ऐसे ऐसे डॉट रहते हैं तो मैंने कर दिया, तो अल्टीमेटली फिनिश हो गया है। दो तीन लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्लावर से डेकोरेट किया है, उसके ऊपर मैं इस टाइप से सजा के थोड़ी सी मैंने एक शॉट लिया है। और कैसे आप इसकी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मैंने बैग के साथ इसको हैंग किया है, दूसरे टाइप के बैग के साथ हैंग किया है, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप नहीं हो सपोर्ट मी, डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो अगर आपको अच्छा लगा तो। एंड थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव।